खमाखनी ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीपिका राठौर। बहुत लंबे टाइम के बाद में मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गई थी। खैर, ये है फरवरी का वीडियो, मेरी कज़न की वेडिंग का है। इसके अंदर आपको दिखाई देंगे मेरी फैमिली मेम्बर्स और लोग। यहाँ पे राती जोगे की रस्म हो रही है, मेहंदी राती जोगा। इसके अंदर ये जीजा है जो कि ब्राइड की मासी लगती है और ये बहुत खूबसूरत है। एक्चुअल में ये जितनी फ्रेम में दिख रही है, एक्चुअल में भी ये बहुत खूबसूरत है। शी इज़ ऑलवेज ऑल टाइम माय फेवरेट। और इनका घूमर भी बहुत अच्छा है। इवन दो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ घूमर में, आई न्यू, लेकिन मुझे खूबसूरत घूमर देखना, और ये तो हमारे राजपुताने का प्राइड है कि खूबसूरत घूमर आना और उसे करना। और यहाँ पे मैं अपने कुछ छोटे छोटे ग्लिम्स ले रही थी, खुद ही से खुद के वीडियोस बना रही थी। यहाँ पे शादी का माहौल ऐसा था कि सब लोग, बारिश वाला मौसम हो गया था, सब लोगों को बीच में भागना पड़ा था। और कहते हैं कि शादी की जो भी रिचुअल्स होती है उनके बीच में, और जब फेरे होते हैं उस टाइम शादी आती है, बारिश आती है, तो वो बहुत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है ऐसा, होता क्या है नहीं होता नहीं पता। अब इस एक फ्रेम के अंदर दुल्हन की मासी है, माँ है, ग्रीन में जो है वो उसकी मदर है, फिर नानी सा है, फिर लास्ट में है वो भी एक मासी है। तो एक ही फ्रेम के अंदर दुल्हन की मासी, माँ और सब लोग। ये मेरी कज़न की डॉटर है, शी इज़ सो अडोरेबल। इसके बाद मैं आपको अभी पूरा ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। पीछे जो लोग घूम रहे हैं, यहाँ बारिश हुई हुई थी तो उसके बाद में थोड़ी ठंड सर्दी थी फेब में, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे जो मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है ये तनिष्क से है। ईयरिंग्स मैंने नॉर्मल ज्वेलर से बनवाए हुए हैं, जो गले में पहन रखा है वो तनिष्क से है। तनिष की ज्वेलरी लोग कम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी डिज़ाइन बहुत अल्टीमेट होती है। और ये है वो जीजा जो कि जो आपको जिनकी डॉटर मैंने दिखाई थी, वो जीजा ये है। शी इज़ ऑल्सो सो ब्यूटिफुल। तो ये था मेरा एक मिनी सा व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।